हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के कान कैसे साफ करें। काफ़ी पेरेंट्स वरिड होके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बच्चों के केस में, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज के केस में, आपको बहुत ही सेंसिटिव और बहुत कॉशन रखने की ज़रूरत है जब आप बच्चों के ईयर क्लीन कर रहे हो। क्लीन करना ज़रूरी भी है, बट ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डैमेज बहुत आसानी से हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या पुराने मिथ चले आ रहे हैं और क्या सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप अपने बच्चों के कानों का हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर, देन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस टॉपिक विल बी पोस्टेड ऑन आर चैनल टुमारो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जानना ज्यादा जरूरी है देन द प्रोसेस इटसेल्फ। तो सबसे पहला कि बच्चे के कान में कभी भी ऑयल मत डालिए। ये पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, बात चली आ रही है कि कान के अंदर ऑयल डाल दो, स्पेशली सरसों का तेल वो डाल दिया करते थे, बट ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको ये कहेगा, बिकॉज एक्चुअल में इससे डैमेज हो सकता है बच्चे का। जो पूरा एक कान का ईयर ड्रम होता है या जो कान की पूरी लाइनिंग है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ 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 ये एक मिथ है, इसको ब्रेक कीजिए और ऐसा कभी भी मत कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, बच्चे का जो ईयर ड्रम होता है, ये जो अंदर आपको होल दिख रहा है, इसमें कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश मत कीजिए या इसके अंदर क्लीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्पेशली यू नो, अगर मैं पुराने टाइम्स को याद करूँ तो कई बार क्या होता है, मम्मियाँ क्या करती हैं कि एक अपना जो हेयर पिन होता है, हेयर पिन की बैक साइड, क्योंकि वो थोड़ी सी राउंड होती है, वो लेके हल्का हल्का क्लीन कर देते हैं, क्योंकि डर ये लगता है कि वैक्स जम रही है और उस वैक्स को निकालना ज़रूरी है। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बच्चों के केस में अंदर की तरफ ऐसे सफाई करने से ज़्यादा डैमेज होने का चांस होता है। इतने छोटे से कान होते हैं उनके कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके थ्रू कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज बच्चे को हो सकता है। तो प्लीज़ कोई शार्प ऑब्जेक्ट मत यूज़ कीजिए बच्चे के कान के अंदर, और अंदर की सफाई आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये तीन बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बच्चे का कान कैसे क्लीन करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और मैं आपको दो सिनेरियोस बताऊँगी, एक जब बच्चा छोटा है और एक जब बच्चा थोड़ा बड़ा है। जैसे अब कबीर का जब हम कान क्लीन करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं और पहले अलग तरीके से करते थे। तो बच्चे का कान क्लीन करने का बेस्ट टाइम होता है जब बच्चा नहा के बिल्कुल बाहर आया होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि पूरी बॉडी पे, क्योंकि पानी आया होता है तो एक मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर पानी के थ्रू स्किन पे मेंटेन होता है। तो आप फटाफट एक सॉफ्ट सा कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो और क्लीन क्लॉथ हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे अपनी फिंगर में लपेट लीजिए और उससे बच्चे के कान के पीछे का जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरी लाइनिंग है, इसको आप हल्का हल्के हाथ से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। आप एक बार अपनी उंगली लगाएंगे वहां पे और वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जो आउटर एरिया है, ये हल्का सा ये पार्ट आउटर, और यहाँ बैक आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मैल जमती है जो हम ऑब्वियसली नोटिस नहीं करते, हमें दिखती नहीं है, इसलिए इसकी वजह से इग्नोर हो जाती है और इसकी वजह से बच्चों को यहाँ पे दाने होने के बहुत चांसेस होते हैं या कोई ना कोई इन्फेक्शन स्किन का हो जाता है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है। अगर मान लीजिए कि बच्चा नहाने के बाद आपको ये नहीं करने दे रहा है, बच्चा एक्टिव है, उस टाइम उसका नहीं मूड है, तो ये एक्टिविटी आप दिन में कभी भी लेटर पार्ट में भी कर सकते हो, जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो या जनरली जब बच्चा आराम से थक के आपके पास लेटा हुआ है। उस केस में आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा पानी ले लो, मतलब बेस्ट होगा कि थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो और वही सेम प्रोसेस रिपीट करो कि कपड़ा लिया, कपड़े को डिप किया, अपनी फिंगर पे बांध के उसको डिप किया पानी में और फिर उससे क्लीन कर दिया। कभी भी ऑयल से या मॉइस्चराइज़र लगा के कान क्लीन करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो जो यहाँ लगा रह जाता है ऑयल या मॉइस्चराइज़र, अगर आप उसे रिमूव नहीं करते हो तो वो काफ़ी डर्ट या डस्ट अट्रैक्ट करता है, जिससे कि ऑब्वियसली कान के अंदर मैल जमने के चांसेस होते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पानी, सिंपल सा कपड़ा, कॉटन का साफ जो आपके घर में अवेलेबल है, और आपकी एक फिंगर से आराम से आप बच्चे का कान क्लीन कर सकते हो।
कुछ लोग कॉटन के जो स्वैब होते हैं उनको भी यूज़ करना प्रेफर करते हैं. इनफैक्ट बच्चों के स्पेशलाइज्ड कॉटन स्वैब आते हैं जिससे बच्चों मतलब वो और थोड़े थिक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं जिससे कि कान में डैमेज होने का चांस नहीं होता. आप वो भी ले सकते हो, बट अगर आप अपने वाला कॉटन स्वैब भी यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो. बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. मतलब आपको जिसे बोलते हैं ना, जैसे एकदम से अगर बच्चा अपना कान हिला देगा या वो आपको नहीं करने देगा, तो अगर आप कपड़े से कर रहे हो तो डैमेज होने का चांस नहीं है. बट अगर आप वो स्वैब से कर रहे हो तो स्वैब एकदम से उसके कान में लग जाए तो जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई इंजरी छोटी मोटी हो जाए हो सकती है. इसीलिए डॉक्टर्स जनरली कहते हैं कि स्वैब भी मत यूज़ करो, सिंपल कॉटन का कपड़ा ले लो. बट अगेन इट्स अ चॉइस, आप अपने बेबी को बेस्ट जानते हो. अगर आपके बेबी के ऊपर आपका कंट्रोल है प्रॉपर कि बेबी आराम से करा लेता है तो आप स्वैब भी यूज़ कर सकते हो. बट सेम प्रोसेस, स्वैब को पानी में डिप करो और उससे बच्चे का कान क्लीन कर दो. अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात और इम्पॉर्टेंट कंसर्न शेयर करती हूँ जो नॉर्मली पेरेंट्स को होता है कान से रिलेटेड. वो ये होता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कान के अंदर वैक्स बिल्डअप हो रही है, जिसको मैल भी बोला जाता है हिंदी में, बट अंदर की तरफ वैक्स बिल्डअप हो रही है जो डार्क ब्राउनिश या गोल्डन ब्राउनिश कलर की होती है. तो उसको कैसे निकालें? देखो, आइडियली अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करोगे, और द रीज़न डॉक्टर्स मना करते हैं कि अंदर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अंदर जाके निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका एक नेचुरल एक नेचर बना हुआ है, नेचुरल फिनोमेना है कि जो कान के अंदर की लाइनिंग है, जो भी डस्ट हो, जो भी डर्ट हो, जो हवा में होता है, वो उसको ट्रैप करता है. ट्रैप करके वो एक वैक्स बनाता है. बॉडी रेगुलर बेसिस पे जो वैक्स है वो क्रिएट करती रहती है. वो वैक्स बनती है और वो अपने आप ड्राई होती है, और ड्राई होके कान के बाहर की तरफ आना शुरू होती है. जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हो या जब बच्चा नहाता है, नहा के पानी गिरता है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर निकल जाती है. कुछ बच्चों के केस में या बड़ों के केस में भी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा वैक्स प्रोड्यूस करती है वर्सेस जो उसको नॉर्मली करना चाहिए, जिस केस में जो वैक्स का बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर कोई ना कोई ईयर इन्फेक्शन, कान में पेन होना, ये सब जो चीज़ें, हेयरिंग प्रॉब्लम होना, ये सब होना आम बात है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तेल नहीं है. इसका सॉल्यूशन ये है कि जो आपके रेगुलर चेकअप्स होते हैं आपके डॉक्टर के साथ, स्पेशली पहले 1.5 या 2 साल में आप रेगुलरली डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हो फॉर वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली और चीज़ों के लिए भी आप करते हो, बट वैक्सीनेशन के लिए तो डेफिनेटली आप 2 से 3 महीने में विजिट करते रहते हो. तो बेस्ट है कि उस टाइम पर आप डॉक्टर से बच्चे का ईयर चेकअप भी करा लो. डॉक्टर्स बहुत सिंपल तरीके से बच्चे के ईयर में एक बार देख लेंगे और देख लेंगे कि कोई वैक्स बिल्डअप हो रहा है या नहीं. इन केस वैक्स बिल्डअप है और ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड वैक्स ड्रॉप आते हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे. तो डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वैक्स बिल्डअप हो रहा है तो आप ऑयल डाल लो, वो स्पेशलाइज्ड वैक्स ड्रॉप आपको देंगे जो आपको उस केस में डालना है अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि हाँ वैक्स बिल्डअप हो रहा है. तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये समझ आया है कि बॉडी जो है रेगुलरली वैक्स बनाएगी, उस वैक्स को बाहर भी खुद ही निकाल देगी, और आपके रेगुलर क्लीनिंग प्रोसेस से वो सारा क्लीन हो जाएगा. जहाँ नहीं होगा वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी. अब इन प्रॉब्लम्स को जाने कैसे, इन प्रॉब्लम्स को जाने का तरीका, जैसे आपको कभी लग रहा है कि आपका बच्चा सडनली उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम हो गया है, तो मे बी उसको हियरिंग में कुछ ना कुछ ट्रबल आ रहा है, या बच्चा बारी बारी कान में उंगली डाल रहा है, या बच्चा कान पकड़ पकड़ के रो रहा है, तो हो सकता है कि उसको कान में कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई पेन हो रही हो, जिस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही बेस्ट डिसीजन होगा. कानों के केस में बिकॉज डैमेज बहुत ईजिली हो सकता है, इट इज़ बेस्ट कि आप अपने आप डॉक्टर नहीं बने, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो बहुत ईजिली चेक करके आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे. तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है, किस सिंपल प्रोसेस से आप कान की सफाई डेली बेस पे मेंटेन कर सकते हो, एंड लास्टली कि ईयर वैक्स की जो प्रॉब्लम हमें लगती है एज पेरेंट्स, हम सोचते हैं कि वैक्स बिल्डअप हो रही होगी, वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है. ये जो मैंने आपको अभी तक बताया ये छोटे बच्चों के लिए है, 1 साल तक के बच्चों के लिए. बट अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है, जैसे कबीर अब ऑलमोस्ट 22 महीने का हो गया, तो उनके केस में आप कपड़ा भी नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा. अब हम क्या करते हैं, जब वो नहा रहा होता है तो उसी टाइम पे हम हल्का सा पानी में हाथ डालते हैं, गुनगुने पानी से हम उसे नहलाते हैं, हल्का सा पानी में हाथ डाल के मतलब हाथ गीला करके उसके कान को ऐसे बिल्कुल सॉफ्टली पीछे और यहाँ पे हल्का सा क्लीन कर देते हैं, तो वो भी आसानी से करा लेता है, क्योंकि वो समझता है पूरा प्रोसेस कि नहाने में यू नो प्रॉपर हर जगह क्लीनिंग हो रहा है, तो आसानी से करा लेता है. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप अपने हाथ की जगह क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, वही मैं रिकमेंड करूँगी.
तो आप डेफिनेटली ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ईयर क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न्स के केसेस में, जैसे 3 से 4 महीने का बच्चा है तो आप हर 2 या 3 दिन में कर दो चलेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका एक्सेस ज़्यादा होता जाता है टू डर्ट डस्ट, क्योंकि अब वो फ्लोर पर भी क्रॉल भी कर रहे हैं, रोल ओवर भी कर रहे हैं, बाहर पार्क भी जा रहे हैं, तो डर्ट ज़्यादा आती है या अट्रैक्ट होती है। उस केस में डेली बेस पे एक हाइजीन रूटीन मेंटेन करना बेस्ट रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिली होगी तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, रेड बटन नीचे दिया है और उसके साथ एक बेल आइकन है जिसको हिट करने का मतलब है कि हमारे वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, या कोई डिफरेंट प्रोसेस जो आप अपने बेबीज के साथ फॉलो कर रहे हो वो कम्युनिटी के साथ शेयर करो और उन्हें भी एजुकेट या अवेयर करो उस प्रोसेस से। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगी कि आई होप आपको पता है कि कबीर जो मेरा बेटा है 22 महीने का, उसका एक अपना यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ कबीर पायत। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैप्पीनेस चाहते हो तो उस चैनल पे जरूर जाओ और उसके वीडियोस को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉम कॉम इंडिया। वील टॉक टू यू सून।